तो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो यार आप सब लोग। आज हम फिर से खेल रहे हैं इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 2, जिसमें हम आज ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर जो है परचेज करने वाले हैं। एंड मैंने जो दोनों बंदे को एक्सेस दिया है तो वो लोग खेल रहे हैं, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि वो लोग अगर खेल के भाग ना जाए, क्योंकि भाई बहुत से लोग जो होते हैं पैसे नहीं देते। तो मैं अभी परचेस करूंगा ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर, जो कि बहुत ही बढ़िया डोर है। एंड मैंने परचेस कर लिया है ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर। फिर भाई मैं स्लाइडिंग डोर को बाय करने के बाद आप लोग देखना क्या होता है भाई। भाई मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, आया और मेरी दुकान का पूरा बैंड बजा दिया। भाई ये बंदे कौन होते हैं मैं खुद ही नहीं जानता। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। ये बंदे मेरे 3 बार मेरे दुकान में आए, फिर मेरे दुकान को बिखर के चले गए। मैंने भाई कितने मेहनत से दुकान को एकदम फिटिंग से सजाया था, इसने पूरे दुकान का धज्जा उड़ा दिया। भाई क्या बताऊँ यार, तो फिर से मुझे दुकान को रेडी करना पड़ेगा। तो मैं अब धीरे धीरे सब कुछ लगा लेता हूँ। तो ये जो लाइट है ये भी इन्होंने तोड़ दिया, तो मैं लाइट को इस कोने में लगा दिया। एंड उसके बाद जो टेबल लगानी पड़ेगी, फिर से मुझे दुकान को सजाना पड़ेगा। एंड एक्रेड मशीन को भी मुझे इधर से हटाना पड़ेगा। एंड ये जो अभी लग नहीं रहा है क्योंकि नीचे एसी पड़ा हुआ है, तो मुझे पहले एसी को हटाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से जो है एसी को हटा देता हूँ। एंड मैं इस गेम का सोच रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम करूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि लाइव स्ट्रीम करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप लोग बताओगे तो 100% मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा। एंड जो है मैंने एसी को भी फिटिंग कर दिया है। एंड एसी मैंने आज ही परचेस किया था, थोड़ी देर पहले, गेट परचेस करने के पहले। फिर लगा दिया मैंने टेबल, उसके बाद मैंने लगाऊंगा ये मॉनिटर जो कि ओल्ड है, पहले परचेस किया था तो अभी भी है मेरे पास। एंड मॉनिटर लगाने के बाद अब लगाऊंगा डेस्कटॉप सीपीयू, तो ये भी ओल्ड ही है, तो इसको भी लगा दिया। भाई मेरे दुकान में जो है कस्टमर बहुत आते रहते हैं, बहुत कस्टमर आते हैं मेरे दुकान में। एंड अभी तो फ़िलहाल शोरूम बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि मेरा तो पूरा दुकान बिखर गया। ये जो मॉनिटर मैंने परचेज़ किया था लेकिन उसका अभी तक फिटिंग नहीं किया, तो उसको साइड में रखते हैं। एंड चेयर को लगाते हैं उसके साइड में, गेमिंग चेयर है। एंड फिर इस लाइट को भी लगा देते हैं उस वाले कोने में, क्योंकि दोनों कोनों के अंदर रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में, तो इसको भी लगा दिया। फिर एक्रेड मशीन को मुझे लगाना होगा, पहले इस टेबल को, मतलब VR को पहले सेट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि VR भी मैंने ख़रीद के रखा था पहले। तो पहले VR को रखते हैं साइड में, उसके बाद टेबल को ठीक से रखते हैं। एंड उसके बाद जो VR का हैंड वाला जो गेम खेलते हैं वो पहले लगाएंगे। फिर VR को मैंने लगा दिया, एंड हैंड साइड को भी लगा देता हूँ VR का ब्लैक। तो ये फिटिंग होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैंने VR को भी हटाया, उसके बाद मैंने जो है इसको लगाया है। एंड भाई मेरे को लिटरली, मैं बता रहा हूँ, मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने पूरी दिन मेहनत करके दुकान को सजाया, फिर उसने आके 1 सेकंड में बिखरा दिया। मैं बॉडी गार्ड लगाऊंगा, क्योंकि कुछ मतलब बंदे जो है वो चोरी करके लेके भाग जा रहे हैं यार, क्या बताऊँ भाई। तो इधर भी मैंने एक PC CPU लगा दिया। एंड अब एक्रेड मशीन को करते हैं साइड में, एक्रेड मशीन एक लगाऊंगा मैं इधर, एंड एक इस साइड में लगाऊंगा। तो अभी मेरे को एक और हैंड VR दिखा जो कि उस साइड में पड़ा हुआ है, तो मैं पहले इसको भी ठीक से ले लेता हूँ, हैंड ब्लैक VR को। तो अब इसको लगाया तो ये पूरा सेटिंग हो गया। तो एक्रेड मशीन को थोड़ा सा ज़्यादा साइड में लगाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सामने आ गया था, तो मैं एक्रेड मशीन को फिर से फिटिंग कर दिया। एंड उसके बाद जो कीपैड पड़ा हुआ है तो मैं कीपैड को साइड में लगा देता हूँ। एक्रेड मशीन लगाने के बाद ही भाई कस्टमर आ गया जो खेल रहा है अभी। PC तो फ़िलहाल ऑफ है क्योंकि PC अभी तक पावर नहीं दिया है मैंने, बिजली अभी बंद है। तो PC भी सेटिंग होने का, माउस लगा देता हूँ, फिर PC हो जाएगा सेटअप। एंड उसके बाद भाई मुझे दुकान की थोड़ी सी साफ सफाई करनी है, क्योंकि दुकान बहुत गंदा है। एंड AC को रखते हैं मिडिल में, एंड AC को जो है ऑन कर देते हैं हम लोग। तो 16 डिग्री सेल्सियस पे अभी चल रहा है ये,
एंड ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर भाई काफ़ी बढ़िया, मैं जाऊंगा तो अपने आप खुल जाएगा भाई, बहुत मज़ा आया मेरे को देख के। एंड मेरा दुकान जो है पूरा गंदा हो चुका है, तो अभी मैं इसको फिलहाल साफ कर लेता हूँ। एंड एक कस्टमर आया जो मेरे पास एक्सेस मांग रहा है, तो मैं सोचा कि मैं पहले साफ कर लेता हूँ उसके बाद ही मैं एक्सेस दूंगा। फिर एक और कस्टमर आया जो कि लड़की था, फिर मैंने दोनों को एक्सेस दे दिया, क्योंकि भाई मेरे को वैसे भी बॉडी गार्ड लगाना ही चाहिए, क्योंकि बिना बॉडी गार्ड के कोई पैसे नहीं दे रहा है। बहुत से लोग जो है गेम खेल के भाग जाते हैं, तो भाई उसके पीछे जाऊं या फिर दुकान में जो कस्टमर बैठा है उनसे पैसे लूं। तो इसने जो है पैसे दे दिया। एंड अब मैं दुकान की थोड़ी सी साफ सफाई कर लेता हूँ, क्योंकि दुकान बहुत गंदा हो चुका है फिलहाल। तो जो VR वाला है वो अभी तो खेल रहा है, क्योंकि VR वाला भी पैसे नहीं देता। एंड अभी शाम हो चुका है, एंड ये कहाँ जाएगा मेरे को पता नहीं। तो ये गया एक्रेड मशीन पे, तो ये भी जाएगा CPU पे, तो फिर से मुझे एक्सेस देना पड़ेगा। अरे भाई आग लगी। चलो 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 यार, अभी मेरा जो स्प्रे हो गया है ख़त्म। अब भाई क्या करूँ बताओ, अब लोग बताओ अब मैं क्या करूँ। मेरे को ये रख के फिर से दुकान में जाना पड़ा भाई स्प्रे लेने के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक्स्ट्रा 2-3 स्प्रे रख दूँ, एंड क्योंकि स्प्रे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एंड तो वीडियो यहीं तक, अब से लाइव स्ट्रीम करने की सोच रहा हूँ, तो आप लोग जरूर